हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। दोस्तों, अभी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और जैसा कि बैकग्राउंड देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ, मैं उत्तर भारत के महानतम मंदिरों में से एक महावीर मंदिर पटना के बाहर खड़ा हूँ। ये मंदिर अपने आप में काफ़ी खास है। इस मंदिर की क्या खासियत है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ हम मंदिर का टूर करेंगे और भगवान के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं महावीर मंदिर पटना में। ये मंदिर पटना जंक्शन के ठीक बाहर है। जैसे ही आप पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर आएंगे तो मंदिर आपको सामने में दिख जाएगा। बात करें मंदिर की स्थापना की, तो इसकी स्थापना किसने की, कब की, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 1730 ईस्वी में स्वामी बालानंद जी ने इसकी स्थापना की। इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ 1947 ईस्वी में, और उसके बाद 1983 से 85 के बीच में यहाँ के उस समय के तत्कालीन एसपी आचार्य किशोर कुणाल जी ने रातों रात इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और इस मंदिर के क्षेत्र की एरिया की विस्तार करवाई। दोस्तों, ये मंदिर अपने आप में काफ़ी खास है। पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भगवान हनुमान जी के दो मूर्ति उपलब्ध हैं। एक मूर्ति का भाव ये है, परित्राणाय साधु नाम, यानी कि जो सज्जन लोग हैं उनकी सुरक्षा, और दूसरा जो मूर्ति है उसका भाव ये है, विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उसकी बुराई को कम करना। तो यहाँ पे भगवान हनुमान जी के मूर्ति का विग्रह रूप स्थित है, जो कि इस मंदिर को पूरे भारतवर्ष में सभी मंदिर से अलग करता है। सिंगल उत्तर भारत में सिंगल एक मंदिर है जिसके ट्रस्ट के द्वारा कुल 5 अस्पतालों को चलाया जा रहा है, जिसमें से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सालय, महावीर हृदय संस्थान आदि प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर के ठीक बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे इसी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा राम रसोई चलाई जा रही है, यानी कि उसमें कोई भी श्रद्धालु कहीं से आए तो उनको वहाँ पे 2 वक्त का भोजन मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ सीता रसोई का आयोजन माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार में भी इस मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। दोस्तों, यदि श्रद्धालुओं की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और लेकिन खास करके मंगलवार और शनिवार को, जो भगवान हनुमान जी का दिन होता है, उस दिन विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं। और वर्ष में रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता है, और उस दिन भगवान के दर्शन के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर लाइन में तो लगना ही पड़ता है। यदि आप आज हमारे पीछे भीड़ यदि थोड़ी बहुत कम देख रहे हैं आज के दिन, तो इसका वजह यह है कि जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये होलिका दहन, आज का दिन होलिका दहन है, कल होली है, इसलिए पटना में अधिकांश लोग पटना में है नहीं, अपने अपने घर चले गए, इसलिए थोड़ी बहुत आपको भीड़ कम दिख रही होगी। दोस्तों, यदि मंदिर के इनकम की बात करें तो औसतन मंदिर का इनकम 1 लाख रुपया प्रतिदिन है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मित्र अरवल के टूल बाबू का, जो हमारे साथ आज कैमरा पर्सन के रूप में है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, और मिलते हैं फिर आपसे अगले रविवार किसी अन्य जगह अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, सबक है।